हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अपना जो फोटो है, वीडियो है, लाइफ टाइम के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कहीं आपने पेनड्राइव में सेव किया है या हार्ड डिस्क में सेव किया है, कहीं पे भी आप सेव करके रखते हैं तो लाइफ टाइम आपका फोटो सुरक्षित नहीं रहता है। कोई गारंटी नहीं है दोस्तों सुरक्षित है, पर ऐसे ट्रिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, ऐसी ड्राइव के बारे में बात करेंगे दोस्तों जहाँ लाइफ टाइम आपका फोटो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है दोस्तों सुरक्षित रहेगा ही। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसी ड्राइव के बारे में दोस्तों बात करने जा रहे हैं जहाँ पर आप 15 GB डाटा सेव कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उससे ऊपर भी डाटा सेव कर सकते दोस्तों, उसको पेमेंट आप पे करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी ड्राइव गूगल ड्राइव की दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप अपना फोटो अपलोड कर देते हैं दोस्तों, तो गलती से अगर डिलीट भी हो जाता है तो बाद में आप 1 महीने के अंदर फोटो रिकवर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के डाटा पे वो सेव रहता है कंपनी में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये बता दें, अगर आपने एक मोबाइल में मेल आईडी के जरिए वो फोटो सेव किया है, दूसरे मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, तीसरे मोबाइल में भी वो फोटो देख सकते हैं। वो मेल आईडी पे ही सब फोटो सेव होते हैं, कहीं पे भी आप अपने मोबाइल लैपटॉप कहीं पे भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर हो सकता है दोस्तों, अगर आपको कहीं याद आने लगी कि इनकी फ़ोटो में देखनी है, तो आप मेल आईडी पासवर्ड याद रखिए दोस्तों, वो आप वहाँ पे फ़ोटो एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कहीं पे भी रहें, अपनी पुरानी फ़ोटो डॉक्यूमेंट कहीं पे भी दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों। आज उसी ड्राइव की बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश और मैं राजेश कुमार मौर्य। दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। और हाँ, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते ही रहते हैं, आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन जितने एंड्रॉयड फ़ोन हैं सब में दोस्तों होता है। कुछ इस प्रकार का ये दोस्तों आइकन होगा, कुछ इस प्रकार का आइकन आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस मेल आईडी पे आपको सेव करना, तो मेल आईडी पहले यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कॉर्नर पे ऑप्शन दे रखा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर पे ऑप्शन दे रखा है मेल आईडी सेलेक्ट करने के। दोस्तों इस मेल आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी मेल आईडी आ जाएंगी। जिस मेल आईडी पे आपको सेव करना दोस्तों, वो मेल आईडी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हमें इसी मेल आईडी पे सेव करना दोस्तों, हमने इसी मेल आईडी पे सेलेक्ट कर ली, क्योंकि ये मेल आईडी हमें याद है, इसका पासवर्ड भी हमें याद है। ये विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, मेल आईडी और मेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। सिंपली बहुत ईजी है दोस्तों, प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपलोड का ऑप्शन आएगा, सेकंड नंबर पे अपलोड का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। तो सीधे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से अपना जो फोटो आपको अपलोड करनी है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ फोटो अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक फ़ोटो हमने अपलोड कर दी दोस्तों, ये देखिए, ये एक फ़ोटो दोस्तों अपलोड हो रही है। यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड होने दीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपलोड हो रही है, ये देखिए दोस्तों अपलोड हो गई फ़ोटो, ये देखिए बिल्कुल फुल HD में कहीं भी दोस्तों फट नहीं रही है। और ये दोस्तों अब ये आप इस मेल आईडी के जरिए फ़ोटो कहीं भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद वीडियो अगर अपलोड करना चाहें तो दोस्तों यहाँ से वीडियो भी, कोई शॉर्टकट वीडियो, छोटी वीडियो हो, बड़ी वीडियो हो, दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो भी अपलोड करने का ऑप्शन आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। यहाँ से कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, और उसके बाद इसमें दोस्तों सबसे अच्छा फीचर ये दोस्तों, ये कभी डिलीट नहीं होगी। अगर गलती से मान चाहिए दोस्तों, यहाँ से आप डिलीट भी कर देखते हैं। देखो दोस्तों, ये फ़ोटो यहाँ से हमने डिलीट भी कर दी, ये देखिए रिमूव, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिमूव का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हमने रिमूव भी कर दी, गलती से रिमूव हो गई, तो यहाँ से मूव टू बिन, दोस्तों रिमूव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे बिन पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक बिन का ऑप्शन आपको दोस्तों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गई। इसके बाद इसको टिक करके यहाँ से दोस्तों रिस्टोर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप दोस्तों इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं ये। अब दोस्तों देख सकते हैं, फिर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये मान चलिए लाइफ टाइम आपकी फ़ोटो सुरक्षित हो जाती है, या कोई डॉक्यूमेंट है दोस्तों, सब कुछ लाइफ टाइम सुरक्षित हो जाता है दोस्तों। प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ से कोई फोल्डर आपको ऐड करना तो फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी हमने वीडियो में, पहली एक वीडियो हमने बनाई उसमें दे रखी है। यहाँ पर हमने फ़ोटो को अपलोड या डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए दोस्तों बताया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने अपना फोटो लाइफ टाइम के लिए सेव कर लिया होगा या सेव कर लेंगे।
कर लिया होगा, जान गए होंगे कैसे सेव करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो जो भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माता दी।